उमा, हाँ जी, मैं कंपनी में घूमी हूँ। बैठ जाओ, क्या करो ये कंपनी में जाके, है तो मादामाद। उमा, सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, दामाद मालिक होकर भी अपने आप को मालिक नहीं मान रहे। आदमी वही आदत, नौकरों जैसा काम कर रहे। कई बार समझा भी लिया है बात में। और पता क्या कह रहा, अब बस मैं तो नौकरी बन के काम कर। यही तो उनकी खासियत है। उमा, यही तो बात मुझे बढ़िया नहीं लगती। मैं यही तो बात उसे समझाने कंपनी जा रहा था। अरे मालिक है, मालिक की तरह काम कर। चले जाओ, पर मैं मानने ना है, क्योंकि उन्हें अपनी कमाई पे भरोसा है। अरे फिर भी एक बार कोशिश करके देख ली तो कोई गलत थोड़ा है। चलो देख लो। चल ठीक है, आ तू भी चलती हो। आप ही जाओ। ओफो यार, आज तो कोई फिल्म भी ढंग की नहीं आ रही इस पे, सारी बेकार है। ये फिल्म अच्छी है, नाम क्या है इसका, झूठा प्यार। सीमा, टिफिन दे दो मेरा, कल भी जाने में मुझे देर हो गई थी। मैंने कोई खाना नहीं बनाया, ठीक है ना। मैं सुबह चाय पी के ना अभी फिल्म देखने बैठी हूँ, और मैं बिजी हूँ भी बहुत ज्यादा। मैं देख रही हूँ फिल्म किसी का झूठा प्यार। मतलब अभी तक खाना नहीं बनाया? तो होटल से खाने में आपको कोई परेशानी है, होटल से खा लेना। देखो तुम्हें पता है होटल का खाना खाना ठीक नहीं होता, पेट खराब हो जाता है। तो मैं क्या करूँ, अपना बनाया खा लिया करो। अगर मैं खाना बनाऊंगा तो ड्यूटी करने कौन जाएगा? सुबह सुबह ना मेरा मूड मत खराब करो, कौन ड्यूटी जाएगा कौन नहीं जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, तुम खाना बनाकर खा लेना। मैंने अपना खाना ऑर्डर कर दिया, और डिलीवरी बॉय ना आता होगा। और वैसे भी मेरे पापा ने 20 लाख रुपए डाल दिए मेरे अकाउंट में मेरे खाने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी सड़ा हुआ खाना नहीं खाएगी। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। सुबह सुबह बकवास करने बैठ गए, पूरा मूड खराब कर दिया। और कमल, कहाँ जा रहा है तू? जाना कहाँ, तुझे भी ड्यूटी जाना, मुझे भी ड्यूटी जाना है। और सुना, भाभी कैसी है? और तेरा टिफिन कहाँ खाने का? ओ यार, मैंने टिफिन घर भूल के आ गया, अभी लेके आता हूँ। मुझे पता मेरे दोस्त, तू टिफिन ना भूल गया, भाभी ने खाना ना बनाया ना, अन्य तेरे तक कही ना, अमीर घर की लड़की से शादी मत करियो। यार तुझे तो पता है ना, ये शादी करना मेरी मजबूरी थी, मैं इस शादी के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। मुझे आज तक इस बात की पता ना चली, ऐसी कौन सी मजबूरी जो तन्ने ये शादी की? वक्त आने दे मेरे भाई, वो भी बताऊंगा। यार कब तक घुट घुट कर जिएगा तू? अब क्या करूं मेरे दोस्त, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, छोड़ दे उसे, और कर ले किसी गरीब की बेटी से शादी, वरना पूरी जिंदगी तू मुस्कुरा ना पाएगा। चल ठीक है यार, फिर कभी इस विषय पर बात करेंगे, अभी मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है, मैं ड्यूटी जाता हूँ। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी। क्या होगा? हेलो। हेलो। हाँ पवन, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू सुना? तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी दुखी हूँ, कब लेके जाओगे मुझे? बस कुछ दिन का इंतजार और कर ले, मैं बहुत जल्दी तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। पता नहीं वो समय कब आएगा जो आप मुझे लेने आओगे। अब सीमा मैं तुझे क्या बताऊँ यार, बिजनेस में घाटा आ गया 50 लाख का। यार पैसों की आप चिंता मत करो, 20 लाख तो पापा ने मेरे पहले अकाउंट में डलवा दिए थे, और मैं 30 लाख डलवा लूंगी उनसे बोल के। अगर तू ऐसा कर लेगी ना तो मैं तुझे बहुत जल्दी ले जाऊंगा, और दोनों मुंबई चलेंगे। ठीक है, मैं पापा से बोल दूंगी, कल वो मेरे अकाउंट में पैसे डलवा देंगे। मैंने आपसे बोला था ना मेरे पास बैठने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं अपने आप को तुम्हें छूने नहीं दूंगी, दूर हटो। सीमा, मैंने आज तक तुम्हें छूने की कभी कोशिश नहीं की, और जब तक तुम मुझे नहीं कहोगी ना मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, आप चिंता मत करो। और मैं तुम्हें क्यों बोलूंगी छूने के लिए, तुम्हें तो वैसे भी बहाना चाहिए ना मुझे छूने का। जवाब तो मैं तुम्हें दे देता, मगर तुम्हारे बाप को दिया वादा,
मैं तोड़ नहीं सकता, वरना मुझे जवाब देना बारीकी से आता है, क्योंकि मेरा नाम। अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो, मुझे छूने के लिए सोच रहे हो क्या? सीमा, बर्दाश्त की भी हद होती है, चुपचाप लेट जाओ तुम्हें लेटना हो तो। तुम्हारे चिल्लाने से ना मैं डरने वाली नहीं हूँ, और एक बात ध्यान रखना, तुम सिर्फ मेरे नाम के पति हो, पति नहीं हो। पैर हटाओ। तुम जैसी महिला का मैं पति बनना भी नहीं चाहता। सीमा को फोन करता हूँ, पूछता हूँ पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। हेलो, हाँ पवन जी। अरे पैसे का इंतजाम हो गया सीमा? बस पापा से कहने की देरी होती है और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, पूरे 50 लाख का इंतजाम हो गया। अरे ये तो तुमने बहुत बढ़िया करा। चल अब एक काम कर, पैसों का बैग लेके पुरानी हवेली पे आ जा। हाँ ठीक है, पैसे तो मैं कल ही ले आई थी बैंक से निकाल के, बस मुश्किल 10-15 मिनट में मैं आपके पास पहुँच रही हूँ। ठीक है, अब आएगा मजा। ये कैसी चिट्ठी है? हेलो डियर दुश्मन राहुल, बाय बाय, मैं अपने यार पवन के साथ जा रही हूँ, और कृपया करके हमारा पीछा करने की कोशिश ना करें और ना ही मुझे ढूंढे, ठीक है, बाय। ओह माय गॉड, हेलो पापा, मुझे जिस बात का डर था वो ही हो गया। मतलब बेटा तुम क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा सीमा घर पर नहीं है। केवल सीमा घर पर नहीं है, ये कैसे हो जाएगा? एक चिट्ठी मिली है और उसमें लिखा है कि मैं अपने यार पवन के साथ जा रही हूँ। अच्छा पवन के साथ, हे भगवान, यू पवन मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके मान रहा। अजी क्या हो गया? क्या हो गया बता दी, जिस बात का डर था वही बात होगी। मुझे कुछ बताओगे जब ही तो समझ में आएगा कुछ। क्या हो गया? सीमा उस राहुल को छोड़कर कुत्ते पवन की गैल चली गई है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिंदा। मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से पुलिस को फोन कर दो। पुलिस को कुछ नहीं कहना, जो करूंगा मैं करूंगा। सुनो जी, मैं भी आ रही हूं। अरे भाभी कहां भागी जा रही है? अरे राहुल भाई कहाँ जा रहे हो? तूने सीमा को कहीं देखा है? भाई भाभी पुरानी हवेली की ओर भाग के उड़ जा रही, आओ मेरे साथ चल। बस सीमा आती होगी 50 लाख रुपए लेके। लो 50 लाख रुपए ले आई। इतनी बेवकूफ है तू। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब मतलब यू मन्ने सुनैया कि औरतों की बुद्धि घुटने में होवे, पर तेरी तो सच में घुटनों में, आज देख भी लिया। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना यू चाह रहा हूँ 50 लाख का तो मालिक मैं बन गया, और आज मैं तजा भी लुटूंगा। अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें हो क्या गया? तुम जल्दी से बस यहाँ से निकल दो, वरना कभी कोई आ जाए। अरे चल दो, आज मैं तेरे से जी भर के खेल लूंगा, और फिर तेरे से कभी मिलूंगी ना। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? मेरे तो काम ही धोखा देने का। और वो जो तुमने मेरे साथ कसमें वादे किए थे मेरे साथ जीने मरने के, उनका क्या? अरे चल, मुझे तो इन पैसों की जरूरत थी, और वो मजा मिल गए, अब के खेल खत्म। ये मैंने क्या किया जो इस आदमी पे भरोसा कर लिया? ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसके चक्कर में मैंने अपने आदमी को भी छोड़ दिया। ये तूने ठीक नहीं किया कुत्ते कमीने। अरे क्या कह रही है तू? है उससे जिंदगी भर जेल में सड़ा दी, मैं तुझे सुन क्या बाबूजी,
बाबूजी मुझे माफ कर दो। जरूर करेंगे, हाँ जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। नाक की सांस में जेड़ में चढ़वा दिया, माफ कर दो तुझे, बहुत बढ़िया काम करा ना। छोड़ दे, तुझे शर्म नहीं आई कमाखर? तेरे बाप ने तुझे कितना समझाया है, फिर भी तने यही हरकत करके छोड़ दी। के क्या जी, मैं बतावा तुझे तेरी शादी से गल क्यों करी, यू गरीब आदमी है, इसका सबूत मिल गया होगा ना तुझे। पापा जी, अब मैं अपना वादा नहीं निभा सकता, प्लीज आप अपनी बेटी को ले जाएं। ठीक है बेटा, तू आजाद भी कर दिया, चल ए इस कुत्ते को थाने में ले आओ। मम्मी जी मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर तेरी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म है तो राहुल से माफी मांग अभी, आगे तेरी बात समझ में। राहुल जी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी अब। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, कितनी काफी है, लेकिन आगे से इस तरह की गलती कभी मत करना। कभी नहीं करूंगी।